नमस्कार, आप देख रहे हैं जयंता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की चुनाव से जुड़ी। चुनाव से पहले ओपी चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जेजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, ये कहा है ओपी चौटाला ने। मेरे पोते मुझे दादा नहीं मानते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चुनाव से पहले ओपी चौटाला का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेजेपी को एक भी सीट इन विधानसभा चुनावों में नहीं मिलने वाली है, इस बात का दावा किया और साथ ही कहा कि मेरे पोते मुझे दादा नहीं मानते हैं। सीधे तौर पर निशाना उनका दुष्यंत चौटाला के ऊपर था। जेजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, इस बात का दावा भी उनकी ओर से किया गया। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं। ओपी चौटाला का आरोप है कि उनके पोते उनको दादा ही नहीं मानते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ओपी चौटाला की ओर से ये बड़ा बयान, बड़ी बात कही गई है, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि जेजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। उनका मानना है कि जेजेपी, जो कि इन चुनावों में ताल ठोक रही है, इनेलो से निकली पार्टी जेजेपी, उसको एक भी सीट नहीं मिलने का दावा ओम प्रकाश चौटाला की ओर से किया गया है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें जेजेपी को लेकर कहीं ना कहीं उनकी जो पीड़ा है वो साफ तौर पर देखने को मिली है, क्योंकि इनेलो पार्टी से ही जेजेपी पार्टी अलग होकर बनी है और इन चुनावों में, इन विधानसभा चुनावों में जेजेपी भी ताल ठोक रही है। लेकिन जब ओम प्रकाश चौटाला से इस बारे में सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि जेजेपी को आप किस तरीके से देख रहे हैं इन विधानसभा चुनावों में, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जेजेपी को इन विधानसभा चुनावों में एक भी सीट हासिल नहीं होने वाली है। उनका दावा यह है कि 90 में से एक भी सीट उनको नहीं मिलेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये आप खुद सुनिए। एक और पार्टी आपके घर से निकल कर आई हुई है, जननायक जनता पार्टी, वह भी चौधरी देवीलाल जी की विरासत की बात कर रही है। जनता भ्रमित नहीं हूं। एक और पार्टी आपके घर से निकल कर आई हुई है, जननायक जनता पार्टी, वह भी चौधरी देवीलाल जी की विरासत की बात कर रही है। जनता भ्रमित नहीं होगी। आप इतने से ही मान के चलो जी कि वो मुझे दादा मानने की बजाय गौतम को दादा मान रहे। एक शेजी बात और क्या होगी, आप मेरी बात नोट कर लेना। जजपा को हरियाणा प्रदेश में एक सिंगल सीट भी नहीं मिली। शेजी बात और क्या होगी, आप मेरी बात नोट कर लेना। जजपा को हरियाणा प्रदेश में एक सिंगल सीट भी नहीं मिली। शेजी बात और क्या होगी, आप मेरी बात नोट कर लेना। जजपा को हरियाणा प्रदेश में एक सिंगल सीट भी नहीं मिली। तो सुना आपने किस तरीके से ये बड़ा बयान ओपी चौटाला की ओर से दिया गया है। जनता टीवी से खास बातचीत के दौरान उन्होंने बयान दिया और कहा कि जजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी, आप देख लेना। हालांकि जिस वक्त ये बात वो बोल रहे थे, उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो ये बता रही थी कि किस कदर कहीं ना कहीं उनको इस बात का दुख भी है कि किस तरीके से परिवार जो है वो बट गया है। और यहाँ तक वो आरोप भी लगा रहे हैं कि उनके जो पोते हैं, यानी कि दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला, उन्हें अपना दादा ही नहीं मानते। वो दूसरों का सम्मान तो करते हैं लेकिन वो हमारा सम्मान नहीं करते। ये आरोप भी ओपी चौटाला की ओर से जनता टीवी से खास बातचीत के दौरान लगाया गया है। सार्थक संवाद हमारा जो खास कार्यक्रम है, उसमें रात 9 बजे आप आज ये देख भी सकते हैं। चुनाव से पहले ओपी चौटाला ने जिस तरीके से जजपा को लेकर ये बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा कि जेजेपी को एक भी सीट इन चुनावों में नहीं मिलने वाली है। इसके साथ ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पोते मुझे अपना दादा ही नहीं मानते। सार्थक संवाद हमारा खास कार्यक्रम जनता टीवी का, उसमें उन्होंने यह बयान दिया है। रात 9 बजे आप सार्थक संवाद आज देख भी सकते हैं। और इनेलो के प्रवक्ता सतबीर सैनी हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। सतबीर जी, आप जी नमस्कार। नमस्कार, ये बड़ा आरोप जो लगाया गया है ओम प्रकाश चौटाला की ओर से, और सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जेजेपी को एक भी सीट तो नहीं मिलेगी लेकिन उनके पोते उनको दादा नहीं मानते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं ओपी चौटाला? वो उनका निजी अनुभव है, वो जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, और प्रदेश की जनता ने भी देखा है कि वो सारे देश प्रदेश की जनता जानती है, समझ चुकी है किस तरह का वातावरण पैदा हुआ है इस प्रदेश में। लेकिन हमारी संस्कृति इस बात के लिए हमेशा इस बात को समझती है कि जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते वो
वो कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकते, ये हमारी संस्कृति की बात है। तो ओम प्रकाश चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला ने जो बात कही है उनको अपने अनुभव से कही है, उनका इतना सतबीर सैनी जी, सतबीर सैनी जी अगर और दुनिया देखी है उन्होंने, ठीक है सतबीर सैनी जी, क्या इस बयान को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चुनावों में भावनात्मक ये मुद्दा, इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है, ये लोगों को बताया जा रहा है कि देखिए मेरे जो पोते हैं वो मुझे अपना ही दादा नहीं मानते हैं, तो आप लोगों के भले कैसे हो सकते हैं, क्या हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं क्या? नहीं, भावनात्मक की बात नहीं है, हकीकत की बात है, भावनात्मक का मुद्दा नहीं है, किसी भावनाओं से कुछ नहीं चलता, बात तो मुद्दों से चलती है। ये भी एक सच्चाई है कि भाई जो उन्होंने कहा है उन्होंने ऐसे नहीं कहा, कोई कोई अगर अपने बच्चों के बारे में कोई बात बोलता है। सतबीर जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप बने रहिए। दीप कमल साण जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जेजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन अभी एक हम दोबारा से वो बयान जो है ओम प्रकाश चौटाला का वो आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एक और पार्टी आपके घर से निकल कर आई हुई है, जननायक जनता पार्टी, वह भी चौधरी देवीलाल जी की विरासत की बात कर रही है, जनता भ्रमित नहीं होगी? आप इतने से ही मान के चलो जी कि वो मुझे दादा मानने के बजाय गौतम को दादा मान रहे हैं। इससे अजीब बात और क्या होगी, आप मेरी बात नोट कर लेना, जजपा को हरियाणा प्रदेश में एक सिंगल सीट भी नहीं मिली। इससे अजीब बात और क्या होगी, आप मेरी बात नोट कर लेना, जजपा को हरियाणा प्रदेश में एक सिंगल सीट भी नहीं मिली। इससे अजीब बात और क्या होगी, आप मेरी बात नोट कर लेना, जजपा को हरियाणा प्रदेश में एक सिंगल सीट भी नहीं मिली। तो सुना आपने, और चलिए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, दीप कमल साहन जी के पास हम चलते हैं। दीप कमल जी, आपने सुना किस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला जो सीधा आरोप लगा रहे हैं, पहली बार तो वो ये कह रहे हैं कि उनके जो पोते हैं वो अपने दादा उनको नहीं मानते हैं, और दूसरा इस बात का दावा भी उनकी ओर से किया जा रहा है कि जेजेपी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है, यानी कि जो आपकी ओर से दावा किया जा रहा है ये बिल्कुल उसके उलट है। देखिए, आपको इस बात का तो पता ही है कि ओम प्रकाश चौटाला जी और उनकी पार्टी राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं जननायक जनता पार्टी के, तो कोई अचंभे की बात नहीं है अगर वो कुछ ऐसा कह रहे हैं, तो वो उनका पार्टी का जो नजरिया है वो कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा सख्त बातें या इससे भी ज्यादा सख्त लहजा जेजेपी के लिए आपने जींद उपचुनाव में सुना होगा इनेलो के नेताओं का, इससे भी ज्यादा जो है बातें थी। भी आप ध्यान होगा, 11 गुना वोट आए थे इंडियन नेशनल लोकदल के मुकाबले जननायक जनता पार्टी के, उनके 3,500 वोट थे और जेजेपी उम्मीदवार के 38,000 वोट थे जी, जो कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उससे भी 1.5-2 गुना ज्यादा थे। तो ये एक राजनीतिक ठीक है कहना उनका, वो बहुत सम्माननीय है उनका ये कहना कि उनको दादा नहीं मानते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला पूरा उनका आदर सम्मान करते हैं और वो उनके दादा हैं। क्या ये माना जाए दीप कमल जी तो क्या ये माना जाए कि इन विधानसभा चुनावों में जानबूझकर इस भावनात्मक मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि पार्टी को यानी कि इनेलो को इसका फायदा हो, क्या आप ये कह रहे हैं? मैं तो आपसे भी अपील करता हूं कि ये एक नेता का एक अपना बयान है, उनका निजी बयान है और ये स्वाभाविक है चुनाव के मौसम में ऐसा कहना, ऐसी बातों को बहुत ज्यादा इतनी अहमियत देना कि ये निर्णायक है या इससे कोई परिणाम का अंदाजा लगा लें। आप मुझसे पूछेंगे मेरी पार्टी सरकार बना रही है, बीजेपी के नेता से नहीं, दीप कमल जी मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, दीप कमल जी मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या ये मानते हैं, आप ये क्या मानते हैं दीप कमल जी कि जानबूझकर इस भावनात्मक मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है? आपने जींद उपचुनाव का जिक्र भी किया, मुझे याद है इस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह और दुष्यंत चौटाला की दादी का जो बयान आया था, मुझे याद है वो अच्छे तरीके से, उस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ जानबूझकर उनका चौटाला इस मुद्दे को उठा रहे हैं? आपको वो भी तो जिक्र करना चाहिए आपको जी, आपको जींद का जनवरी का जो परिणाम है, जो वोट आए थे, वो भी तो अपने दर्शकों को बताने चाहिए। नहीं, वो कर तो नहीं सर, आप बता तो दीप कमल जी, इसीलिए तो पहले सुन रहा था, आप तो इनेलो के प्रवक्ता से अपनी तरफ से बातें कह रहे थे कि क्या इसका मतलब ये है, क्या इसका मतलब ये है, आपको पुरानी बातों का मतलब भी तो बताना चाहिए सर। आप ये देखना चाहिए ना कि भाई अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं भी यही कह दूंगा कि इनेलो के किसी की कोई सीट नहीं आनी, जबकि हम कोई ऐसी दुर्भावना नहीं रखते, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, उनको उनके परिणाम मिलना चाहिए, बीजेपी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमें अपने परिणाम मिलने चाहिए। आज ही दुष्यंत चौटाला लोहारू में जनसभा करके आए हैं, इस वक्त हम राय में हैं, इसके बाद हम सवाल का जाएंगे, इसके बाद हम जुलाना जाएंगे और शाम को उचाना में करेंगे कार्यक्रम। 5-5 विधानसभा क्षेत्रों में दुष्यंत चौटाला जो है एक दिन में जनसभाएं कर रहे हैं, इस वक्त भी मैं रैली में दीप कमल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है जी, हमारे वादे हमारे कार्यक्रम
इतनी बड़ी सफलता जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा के युवाओं के हित में पिछले 24 घंटे में हासिल की है। जो इलेक्ट्रिकल की जो भर्ती थी वो सरकार को रद्द करनी पड़ी है, जिसमें 80 में से 78 युवा हरियाणा से बाहर के थे। इतनी बड़ी दीप कमल जी मैं आप ही का जो सवाल है मैं सतबीर सैनी जी से वो पूछ लेता हूँ। सतबीर सैनी जी, दीप कमल जी का ये साफ तौर पर कहना है कि जिन उपचुनाव के दौरान भी आपने तमाम जो भावनात्मक मुद्दे उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन आपके कैंडिडेट जो आपके कैंडिडेट थे उस वक्त, उनका क्या हल हुआ वो आपके हम सब सबके सामने है। जिन बाय इलेक्शन के टाइम में जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और इवन जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ इन्होंने जितने मत हासिल किए थे उसमें आज जैसे भी कम वहाँ पे उनकी परिस्थितियां बदली कहाँ है सर। आए दिन तो आपके जो बड़े बड़े नेता है वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं सर। उस टाइम ये था जब नई नई पार्टी बनी थी, भावनात्मक गेम था सर। आपकी पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है अशोक अरोड़ा वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, आपके पार्टी के तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं चुनाव से पहले, और आप कह रहे हैं कि अब स्थितियां बदल गई है। क्या कहां बदली है सर? वोट का उसी कैंडिडेट को कितना वोट मिला वो देखने वाली बात है। नहीं, सतबीर सैनी जी मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं परिस्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल कह रही हैं, आए दिन कोई ना कोई नेता आपका, बड़े नेता पार्टियां छोड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं दूसरी पार्टियों में, और आप कह रहे हैं परिस्थितियां बदल गई हैं, तो परिस्थितियां बदली कहां है? वो तो पहले से और ज्यादा ऐसा लगता है कि बुरी हो गई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी तो चुनाव के टाइम में सारी पार्टियां इधर उधर हो रहे हैं, सभी के हुए हैं। यहाँ तक ये भी हुआ है कि नॉमिनेशन भरने के बाद भी लोगों ने नॉमिनेशन लेके दूसरी पार्टी ज्वाइन करी। मैं दीप कमल जी नहीं कहूंगा, दीप कमल जी ओम प्रकाश चौटाला कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। बात नहीं सर, आप कोई अनुमान दे पाएंगे? आप क्योंकि आप जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वोट की अपील आप कर रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि आप इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि आपको भारी जन समर्थन मिल रहा है, कितनी सीटें आएंगी सर? फिर कुछ तो अनुमान दे दीजिए। देखिए, मेहनत कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, लगभग 60 से 65 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम ऑलरेडी बहुत कड़े मुकाबले में हैं, कहीं पर कांग्रेस के साथ, कहीं बीजेपी के साथ, और आश्चर्यजनक रूप से कोई एक दो सीट होगी शायद इलाहाबाद होगी या कोई, और इसके अलावा कोई और सीट नहीं है जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मुकाबला है, बाकी सब जगह बीजेपी या कांग्रेस के साथ है 89 सीटों पर। लेकिन उसमें से मैं ये नहीं कहता कि हम 70 जीतेंगे, हमें विश्वास है और हमारी कोशिश है कि हम 40 सीटें जीते और हरियाणा में युवाओं की सरकार बनाएं, ऐसी सरकार बनाएं जो हरियाणा का हित देखती हो, ये नहीं हो कि आंख बूंद करके बैठे रहे। सतबीर सैनी जी, दीप कमल जी आपको सिर्फ एक दो सीट दे रहे हैं, इसमें वो इलाहाबाद का जिक्र भी कर रहे हैं जहां से अभय सिंह चौटाला चुनावी मैदान में, यानी कि ज्यादा 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 अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो आपको ज्यादा सीटें, आप उम्मीद जो कर रहे हैं आप उम्मीदों पर हो सकता है खरीबे ना उतरे, ऐसा आरोप लगा रहे हैं दीप कमल जी, सिर्फ दो सीटें आपको दे रहे हैं। दीप कमल जी क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रदेश की जनता इस मार्ग को तय करेगी, और मैं प्रदेश की जनता तय करेगी, और प्रदेश की जनता को ही अधिकार है उन्हीं को तय करना चाहिए। मजबूत है, उन्होंने ही हरियाणा की जनता को है अधिकार, ये अधिकार किसी को भी नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं होना चाहिए, ये अधिकार तो हरियाणा की जनता का है, वही तय करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सतबीर सैनी जी आपका और दीप कमल साहन जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है जनता टीवी के खास कार्यक्रम सार्थक संवाद में ओम प्रकाश चौटाला ने, एक बार फिर सुनिए। एक और पार्टी आपके घर से निकल कर आई हुई है, जननायक जनता पार्टी, वह भी चौधरी देवीलाल जी की विरासत की बात कर रही है, जनता भ्रमित नहीं होगी? आप इतने से ही मान के चलो जी कि वो मुझे दादा मानने के बजाय गौतम को दादा मान रहे हैं। एक और पार्टी आपके घर से निकल कर आई हुई है, जननायक जनता पार्टी, वह भी चौधरी देवीलाल जी की विरासत की बात कर रही है, जनता भ्रमित नहीं होगी? आप इतने से ही मान के चलो जी कि वो मुझे दादा मानने के बजाय गौतम को दादा मान रहे हैं। इससे अजीब बात और क्या होगी, आप मेरी बात नोट कर लेना, जजपा को हरियाणा प्रदेश में एक सिंगल सीट भी नहीं मिली। इससे अजीब बात और क्या होगी, आप मेरी बात नोट कर लेना, जजपा को हरियाणा प्रदेश में एक सिंगल सीट भी नहीं मिली। इससे अजीब बात और क्या होगी, आप मेरी बात नोट कर लेना, जजपा को हरियाणा प्रदेश में एक सिंगल सीट भी नहीं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।